नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे अगारो के कुछ टूल किट्स का। ये जो पर्टिकुलर टूल किट है, आज के समय में जब घर के छोटे मोटे काम हमको खुद ही करने पड़ रहे हैं, एक बड़ी काम की चीज़ है। क्योंकि जैसे हम आगे देखेंगे, इसमें मिक्स ऑफ ऐसे सारे टूल्स है जिसमें जनरली हमारे घर की मेंटेनेंस के काम हो जाएंगे। तो अब मैं इन सारे टूलकिट्स को बाहर निकालता हूँ और फिर हम उनकी डिटेल्स देखेंगे। 24 पीस स्क्रूड्राइवर और बिट सेट इस तरह से ये हमें केस में मिलता है। अगर 41 पीस स्क्रूड्राइवर सेट को देखें तो इस तरह से इसकी केस है। ये स्क्रूड्राइवर सेट बड़ी स्क्रूड्राइवर हैंडल के साथ आता है। अगारो का 104 पीस प्रोफेशनल टूल सेट कैरी केस में हमें ये किट मिलता है 1x1। अब हम इनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ छोटे स्क्रूड्राइवर के साथ। हर चीज को एकदम ढंग से रखा गया है। तो इसकी केस काफी हाई क्वालिटी है और टूल्स के साथ केस अच्छी होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि हम इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके यूज करते हैं। और अगर केस इसे अच्छी तरह से स्टोर ना कर सके तो इसमें से इवेंचुअली पार्ट्स गुम हो जाते हैं और फिर हमारा टूल किट टोटली यूजलेस हो जाता है। ये हमारा मेन हैंडल है, क्विक रिलीज के साथ आता है। इसका मेन हेड लगा के आपको दिखाता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसको लॉक करने के लिए ये हेड डालने के बाद सिर्फ इसे पीछे लेना है और ये अंदर खुद ब खुद जाता है, और इसे छोड़ना है तो इस तरह से ये लॉक होता है। ये हाइट तीन जगह पे दी है, आप तीनों जगहों पे इसे लॉक कर सकते हैं। हमारा जो अब भी ये लॉक है, ये मैंने मिडिल में रखा है, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रूड्राइवर के साथ ही हमारा हेड हिल रहा है। अगर मैं इसे इस साइड पे डालूँ तो अब मैं चीज़ों को इससे खोल सकता हूँ, और उसी तरह से इस साइड करूँगा तो अब मैं चीज़ों को टाइट कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें, जैसे ये स्क्रू हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इससे आप नॉर्मल छोटे स्क्रूज के साथ काम कर सकते हैं। तो अब हम ये फोर फेस इसमें हेड लगाएंगे। हेड इस तरह से मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है और आप देख सकते हैं ये इसे आसानी से टाइट कर रहा है। काफ़ी आसानी हो जाती है इस हैंडल की वजह से। अगर मैं इसे अनलॉक करूं तो ये देखिए, ये अनलॉक हो रहा है। हम अलग अलग शेप एंड साइज के बिट्स इस्तेमाल करके अलग अलग टाइप के स्क्रूज के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये स्पेशल बिट डी है, ये आप इस्तेमाल करके इस तरह से नट्स के बिट है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं और फिर सेम तरह से इससे भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारी बिट्स की फिनिश भी काफ़ी अच्छी है और हर बिट के निचली तरफ इस तरह से उसकी साइज़ इंडिकेट की है, चाहे वो हमारे नट बोल्ट के बिट्स हो या हमारे स्क्रूड्राइवर हेड्स हो। तो ये होगा हमारा छोटा टूल किट। तो ये काफ़ी अच्छा है नॉर्मल होम यूज़ के लिए, तो मैं कहूँगा परफेक्ट है। तो दोस्तों, अब हम हमारे 41 हेड के स्क्रूड्राइवर सेट को देखेंगे। तो ये इस तरह से है, और जैसे ही आप इसे खोलते हो आपको एक बात अपेरेंट हो जाती है कि इसकी केस क्वालिटी कुछ खास नहीं है। ट्विस्टेबल प्लास्टिक है और ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, काफ़ी फ्लिमजी है। उसी तरह से केस भी काफ़ी फ्लिमजी है। तो भले इसमें बहुत सारे टाइप के हेड्स उन्होंने दिए हैं, बहुत सारे अलग अलग नंबर के भी ये नंबर्स यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, लेकिन केस क्वालिटी ऑर्डिनरी है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्क्रूड्राइवर सेट की हैंडल देखें तो उसमें किसी भी तरह से वो रोटेटिंग मैकेनिज्म नहीं है, ये फिक्स्ड लॉक पोजीशन में ही है। लेकिन हैंडल ओवरऑल बड़ी होने की वजह से हमें अच्छा खासा लेवरेज मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी तरह से ये हाथ में फिट हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर उन्होंने अटैचमेंट दी है, इसकी वजह से ये एंगुलर अटैचमेंट का इस्तेमाल करके इस तरह से ये इस पे लगा सकते हैं और फिर उसके बाद आगे हेड लगा सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब काफ़ी छोटी जगह में आपको काम करना है, ये 90 डिग्री अटैचमेंट काम में आने वाली है। इसके बड़े फ्लैट हेड को लगाएंगे। इस तरह के बड़े स्क्रूज़ के लिए हमें स्पेशली मेड लंबे स्क्रू ड्राइवर लगते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर से अगर हम इसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा, लेकिन उसके नीचे के सब साइज़ के स्क्रूज़ के लिए ये आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। बाकी ये होम यूज़ के लिए ठीक ही है, अगर आपको ज़्यादा बिट्स और ज़्यादा नट्स के साथ काम करना है तो। और अब हम दोस्तों हमारे इस टूल किट की तरफ बढ़ते हैं। ये टूल किट भी केस के साथ आता है। इस केस की भी क्वालिटी ओके ही है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स है, ज़्यादा मार नहीं झेल पाएगी, तो ये होम यूज़ के लिए लेकिन ठीक ही है। इस तरह से यहाँ पर लैचेस दिए हैं, और अगर हम हमारे केस को खोलें तो अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स दिए हैं। मैंने इन सारे टूल्स के ऊपर के प्लास्टिक्स हटा दिए हैं, और ये जो पर्टिकुलर बैटरी है इसमें 3 AAA साइज़ के सेल लगते हैं, मैंने वो भी डाले हैं, वो हमें इस टूल किट के साथ नहीं आते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से चालू होती है, ये बटन दिया है, ये दबाने से ऑन और ऑफ़ होती है, और इसकी लाइट को थोड़ी सी पर्पल टिंच है, लेकिन ये अपना काम आसानी से कर ही सकती है। ये इसके साथ आने वाला हैमर है, ये एडजस्टेबल पाना है, इस पाने को अच्छा खासा वेट है, और ग्रिप भी इन्होंने यहाँ पे रबर की दी है तो अच्छी ग्रिप भी आती है। ये हमारा नोज प्लायर है, वो भी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे हमारा फ्लैट प्लायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेप दी है, यहाँ पे कुछ एलन कीज दी है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इनकी भी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे कुछ टाइप के स्क्रूज और उनके प्लग्स दिए हैं, और उन्होंने नट बोल्ट्स खोलने के लिए हमें अटैचमेंट्स दी है। लेकिन एक बात ऐसी है, अगर हम इसकी निचली साइड पे देखें तो यहाँ पे ये स्लॉट दिया है, इसका मतलब ये है कि ये टूल किट में ये दिया हुआ अटैचमेंट इस्तेमाल करके इसे इस एडजस्टेबल स्क्रूड्राइवर हेड के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बड़े नट्स के साथ तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे इस अटैचमेंट के साथ बाकी अलग अलग साइज़ के फ्लैट हेड और फोर फेस स्क्रूड्राइवर हेड्स दिए हैं, जो वापस हमारे इस एडजस्टेबल स्क्रूड्राइवर हेड के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम हमारे टूल किट की दूसरी साइड देखें तो ये सॉ दी है, ये मेटल सॉ है, लेकिन इसके दांते काफ़ी छोटे हैं और इसकी क्वालिटी भी एकदम ऑर्डिनरी है। यहाँ पर टेस्टर दिया है जिसको एक डिजिटल रीडआउट है, इसे ऑपरेट होने के लिए किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जैसे ही इसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट में डाल के इधर उंगली रखते हो ये आपको रीडिंग दे देता है। यहाँ पे नीचे उन्होंने अलग टाइप के फ्लैट हेड और फोर फेस स्क्रू ड्राइवर दिए हैं, जिससे आप छोटी चीज़ों के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कटर ब्लेड दिया है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। फिर दो फिक्स्ड फ्लैट हेड और फोर फेस स्क्रू ड्राइवर दिए हैं, और यहाँ पे ये टेप दी है 3 मीटर की, जिसमें फीट और मीटर ये रीडिंग्स है, इसे आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं, और छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको अगर लॉक चाहिए तो ये दी गई, आप बटन को इस तरह से दबाए तो भी ये उस पोजीशन पे लॉक हो जाती है, अगर बटन को छोड़े तो इस तरह से अंदर रिट्रैक्ट हो जाती है। और फाइनली ये हमारा स्क्रू ड्राइवर हेड है, जिसे खोलने की और टाइट करने के लिए सेटिंग दी है, और वो इस तरह से चलता है जैसे हमने बाकी के दो टूल किट्स में देखा, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी एवरेज है एज़ कम्पेयर टू इस टूल किट की स्क्रू ड्राइवर की। अगर आप मेरी राय पूछें तो इस साइड में जो चीज़ें उन्होंने दी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और इस साइड में जो सेट ऑफ टूल्स है वो काफ़ी एवरेज क्वालिटी की है। लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे कहनी पड़ेगी कि ये 104 पीस जो टूल किट है, इसकी अगर आप प्राइस देखें तो 3499 दिख रही है, लेकिन हमें ये रियलिटी में अमेज़ॉन में
1800 रुपये में ही मिलता है। तो 1800 रुपये में इतने सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन इस टूल किट में मैं कहता हूँ एक्सेप्टेबल ही है। लेकिन उसके नाम के एकदम विपरीत ये प्रोफेशनल टूल किट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, घर के सारे कामों के लिए ये काफ़ी है। इस समय जब हमें बहुत से काम खुद ही करने पड़ रहे हैं, इस टाइप का टूल किट आपके पॉकेट के लिए तो फ्रेंडली है, उसके साथ आपके नॉर्मल जो घर के मेंटेनेंस के काम हैं वो उसमें आसानी से हो ही जाएंगे। एक जो मेरी मेन कंसर्न है वो ये खुद केस के साथ है। ये देखिए, काफ़ी फ्लिमजी प्लास्टिक के साथ ये बनी है, बहुत सॉफ्ट है अंदर से, और अगर ये केस टूट गई तो फिर इतने सारे टूल्स हम कहाँ स्टोर करेंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम इसकी कुछ चीज़ों को टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम वही लकड़ी के ब्लॉक को वापस यहाँ पे लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नेल है तो ये एक एक्सट्रीम टेस्ट हो गई इसके हैमर के लिए, लेकिन हम ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका हैमर अच्छी तरह से खुद का काम कर रहा है और यहाँ पे कोई इम्प्रेशंस नहीं है, तो स्टील की क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों, अब मैंने इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। हम देखते हैं ये नट लकड़ी में जाता है कि नहीं। लकड़ी में इसे ज़्यादा तकलीफ भी होगी, लेकिन तो भी काम तो कर रहा है। लेकिन इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म काफ़ी लूज है, पूरे चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्ले है। तो नट और बोल्ट्स के साथ ये हैंडल लेके काम करने में थोड़ी हमें तकलीफ होने वाली है। सॉ की परफॉर्मेंस को देखें, ये एक मेटल सॉ है। आप देख सकते हैं ये सॉ इधर ज़्यादा नहीं कट कर पा रही है, और इसके आप अगर टीथ देखें तो ये काफ़ी छोटे हैं। तो ये मैं कहूँगा बेस्ट प्लास्टिक काटने के लिए ही काम में आएगी, इससे आप मेटल तो आसानी से नहीं काट सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए ये तीनों टूल किट हमें कंपनी ने रिव्यू के लिए भेजे हैं, लेकिन ना ये पेड रिव्यू है ना ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। अगर आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।